क्लास आज हम नर्सिंग फाउंडेशन का नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब होता है एक्सपल्शन ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालना, ये होता है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन होता है स्किन के थ्रू अपन स्वेटिंग जो होती है वो एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, और उसके बाद लंग्स से जो CO2 बाहर निकलती है वो भी, और जो रेक्टम है उससे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन, ये सारी चीज़ें हैं जो वेस्ट होते हैं उन सबको बॉडी से बाहर निकालना ही अपन बोलते हैं एलिमिनेशन। एलिमिनेशन के टॉपिक के बाद हम कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे। टर्मिनोलॉजीज़ के अंदर सबसे पहला आता है पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया का मतलब क्या होता है कि पॉलीयूरिया मतलब पॉली मतलब ज़्यादा और यूरिया मतलब यूरिन आउटपुट। यूरिन आउटपुट है वो नॉर्मल से ज़्यादा होना, जबकि इनटेक क्या है उसका, नॉर्मल है। इनटेक अगर नॉर्मल है और यूरिन आउटपुट ज़्यादा है तो उसे अपन पॉलीयूरिया कहेंगे। जैसे एक नॉर्मल जो इनटेक होता है वो होता है 2500 ml के आसपास, तो पॉलीयूरिया के अंदर जो इनटेक होता है नॉर्मल वो होता है 2500 ml, लेकिन उसका जो आउटपुट होता है यूरिन का एक्सक्रीशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, उसे अपन पॉलीयूरिया कहेंगे। डेफिनेशन हम जैसे बोलते हैं यूरिन आउटपुट मोर देन 2500 ml पर डे वेन इनटेक नॉर्मल। अगर इनटेक है वो नॉर्मल है, आप वाटर है वो उतना ही ले रहे हैं या लिक्विड है वो उतना ही ले रहे हैं, लेकिन आउटपुट ज़्यादा हो रहा है यूरिन का, तो उसे अपन पॉलीयूरिया कहेंगे। जैसे अपने को देखने को मिलता है डायबिटीज़ मेलिटस के अंदर या डायबिटीज़ इंसिपिडस के अंदर जो यूरिन आउटपुट होता है पेशेंट का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद में जैसे एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ द अपीयरेंस इन यूरिन ड्यूरिंग पॉलीयूरिया व्हेन अ पेशेंट डायग्नोस एज डायबिटिक इंसिपिडस। डायबिटिक इंसिपिडस पेशेंट को डायग्नोस हुआ है तो उसके अंदर जो यूरिन होता है वो पॉलीयूरिया के अंदर, यूरिन का जो अपीयरेंस होता है वो कैसा होता है, यूरिन कैसा दिखता है, तो उसके अंदर ऑप्शन आते हैं हमारे पास में नॉर्मल दिखता है, सेकेंड आता है पिंक दिखता है, पिंक का कारण होता है ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ ब्लड, थर्ड जो आता है वो है कलरलेस भी हो सकता है, एंड फोर्थ जो आता है वो क्लाउडी होता है वो प्रेजेंट ड्यू टू प्रोटीन प्रेजेंट होने के कारण। तो इसका जो आंसर होगा वो आता है कलरलेस, क्योंकि यूरिन आउटपुट बहुत ज़्यादा होता है और उसका कोई भी कलर नहीं होता है इसके अंदर, तो इसका आंसर आएगा कलरलेस। नेक्स्ट जो हमारी टर्मिनोलॉजी आती है वो आती है ऑलिग्यूरिया। ऑलिग्यूरिया मतलब होता है यूरिन आउटपुट जो होगा वो लेस देन 400 ml पर डे होगा। पर डे में पूरे दिन के अंदर 400 ml से भी कम यूरिन आउटपुट होना ऑलिग्यूरिया कहलाता है, और ये जो कंडीशंस होती हैं वो हमें देखने को मिलती है शॉक वाली कंडीशन के अंदर। शॉक पेशेंट अगर शॉक में चला गया है तो उसका यूरिन आउटपुट बहुत कम हो जाएगा पर डे के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी आती है वो आती है एन्यूरिया। ए मतलब एब्सेंट या कम, और यूरिया मतलब यूरिन आउटपुट। तो इसकी टर्मिनोलॉजी को हम ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि यूरिन आउटपुट लेस देन 100 ml पर डे, यूरिन आउटपुट होता है वो 100 ml से भी कम हो जाता है। और ऐसा किन पेशेंट्स के अंदर होगा, जिनकी रीनल फेलियर होगी तो यूरिन आउटपुट ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है वो आती है अर्क। अर्क जो आएगी उसका मतलब होता है कि आपको बहुत ज़्यादा डिज़ायर है, बहुत ज़्यादा आपको डिज़ायर है, आपको सेंसेशन है यूरिन को पास आउट करने के लिए, लेकिन आप एक एबिलिटी रखते हैं उसको कंट्रोल करने की। मान लो क्लास चल रही है और आपको डिज़ायर है यूरिन पास आउट की, या आप कोई वर्क कर रहे हैं या कहीं बिजी है तो आपको डिज़ायर है यूरिन पास आउट की, और आपको मतलब सेंसेशन हो रहा है कि यूरिन पास आउट करना है, लेकिन आप उसको थोड़े टाइम के लिए कंट्रोल कर सकते हो उस सिचुएशन में, तो उसे हम बोलेंगे अर्क। और उसका जो अमाउंट होता है वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन का जो अमाउंट होगा वो होगा 150 ml से लेके 200 ml तक, ठीक है। नेक्स्ट जो आएगा वो टर्मिनोलॉजी आएगी अर्जेंसी। अर्जेंसी वो सिचुएशन होती है जिसमें आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा डिज़ायर होता है, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होता है, स्ट्रॉन्ग सेंसेशन होता है यूरिन पास आउट करने के लिए,
तो उसे हम अर्जेंसी वाली कंडीशन कहेंगे। अर्जेंसी के अंदर जो यूरिन आउटपुट की जो वैल्यू होगी या ये जो यूरिन जो ब्लैडर के अंदर कलेक्ट होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो 600 ml के लगभग आसपास होगी। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है, वो आती है इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन। इनकॉन्टिनेंस यानी कि कंटिन्यूटी डिस्टर्ब होना। कंटिन्यूटी डिस्टर्ब होना, इसके अंदर हम इसको ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि इनवॉलेंट्री पास आउट ऑफ यूरिन, यूरिन का इनवॉलेंट्री पास आउट होना। जैसे कि कोई पेशेंट है हॉस्पिटल में एडमिट है, उसको काफ़ी टाइम से इलाज के दौरान उसके कैथेटर लगा हुआ है, कैथेटर लगा हुआ है यूरिन पास आउट के लिए। अब उसका कैथेटर निकाल दिया गया है, तो अब ये क्या होता है कि उसको इनकॉन्टिनेंस हो रहा है, मतलब उसको पता नहीं लग रहा, या फिर ऐसा हो रहा है कि उसको पता नहीं लग रहा और थोड़ा थोड़ा यूरिन पास आउट हो रहा है। तो जो ये जो थोड़ा थोड़ा यूरिन पास आउट हो रहा है बार बार, या बार बार यूरिन पास आउट होना हर बार, या नॉर्मल इंसान के अंदर भी अगर बार बार यूरिन पास आउट करने की इच्छा होती है तो वो होता है इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन। और इसका जो कारण होता है वो होता है एक तो वीक पेरिनियल मसल्स, जो पेरिनियल मसल्स होती है हमारी वो वीक हो जाती है, और दूसरा ये होता है कि जो पेशेंट्स होते हैं उनमें किस कारण से होता है कि लॉन्ग टाइम कैथेटराइजेशन होता है उनके अंदर, उस वजह से उनके अंदर इनकॉन्टिनेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है रिटेंशन ऑफ यूरिन। रिटेंशन ऑफ यूरिन क्या होगा कि पेशेंट के अंदर मतलब डिज़ायर और सेंसेशन बहुत है, ठीक है, और यूरिन का जो मतलब प्रोडक्शन है वो भी नॉर्मल हो रहा है, लेकिन वो उसको पास आउट नहीं कर पा रहा है। तो पेशेंट इज़ अनेबल टू पास आउट द यूरिन, ऑल द प्रोडक्शन एंड फॉर्मेशन इज़ नॉर्मल। उस यूरिन का प्रोडक्शन और फॉर्मेशन नॉर्मल हो रहा है, लेकिन वो उसको पास आउट करने में क्या कर रहा है, अनेबल है। ठीक है, वो उसको पास आउट नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसको सेंसेशन नहीं मिल रहे हैं, उसको डिज़ायर नहीं हो रही है, तो वो होता है रिटेंशन ऑफ यूरिन। इसके जो कारण हो सकते हैं, इसके कारण मेनली तो क्या होगी कि किसी व्यक्ति में या तो स्ट्रेस या एंजाइटी होगी, या कि कहीं पे जैसे हॉस्पिटल एरिया हो गया, या कहीं पे प्राइवेसी की कमी हो गई, या फिर मसल स्पाज्म हो चुकी है, या यूरिथ्रल कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, जैसे यूरिथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर कोई स्टोन है, या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है यूरिथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर, तो उस वजह से भी क्या होता है, रिटेंशन ऑफ यूरिन होता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो है बाउल एलिमिनेशन। बाउल एलिमिनेशन के अंदर हम पढ़ते हैं, बाउल एलिमिनेशन के अंदर आएगा कि उसको किसको बोलते हैं, एक्सपल्जन ऑफ वेस्ट फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन से वेस्ट का एक्सपल्जन होना बाउल एलिमिनेशन के अंदर है। बाउल एलिमिनेशन के अंदर भी बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है, जिसमें सबसे पहला आता है स्ट्रेनिंग। स्ट्रेनिंग का मतलब होता है फोर्सफुल एक्सपल्जन ऑफ स्टूल। स्टूल का फोर्सफुल एक्सपल्जन करना, उसको फोर्सफुली प्रेशर करके बाहर निकालना, जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन में फोर्सफुल एक्सपल्जन होता है। ठीक है, और इसके बाद हमारी अगली टर्मिनोलॉजी आएगी, वो आएगी इंफेक्शन। इंफेक्शन का मतलब होता है इनएबिलिटी टू पास आउट स्टूल ड्यू टू लॉन्ग टाइम कॉन्स्टिपेशन। अगर किसी इंसान को लंबे टाइम तक कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, या उसको लंबे टाइम तक स्टूल पास आउट नहीं हो रहा है कॉन्स्टिपेशन की वजह से, तो उसे हम इंफेक्शन कहेंगे। इंफेक्शन का के बाद हमारी जो अगली टर्मिनोलॉजी आती है वो आती है डिफिकेशन। नेक्स्ट जो हमारी टर्मिनोलॉजी आएगी वो है डिफिकेशन। डिफिकेशन का मतलब होता है नॉर्मल एक्ट ऑफ पासिंग स्टूल। स्टूल को नॉर्मली पास आउट करने का जो प्रोसेस होता है उसको अपन डिफिकेशन बोलते हैं। इसके बाद अगली टर्मिनोलॉजी आएगी कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन के अंदर आएगा डिफिकल्टी इन पासिंग द स्टूल ड्यू टू हार्डनेस ऑफ फिकल मैटर। फिकल मैटर की हार्डनेस की वजह से स्टूल का पास आउट ना होना, या पास आउट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आना कॉन्स्टिपेशन के अंदर काउंट करते हैं। नेक्स्ट जो कॉन्स्टिपेशन है उसके भी जैसे टाइप्स होते हैं, प्राइमरी कॉन्स्टिपेशन, सेकेंडरी कॉन्स्टिपेशन, स्पास्टिक कॉन्स्टिपेशन, एट्रोजेनिक कॉन्स्टिपेशन। तो सबसे पहले प्राइमरी कॉन्स्टिपेशन होगा वो न्यूट्रिशनल कॉज की वजह से होगा, खाने पीने में प्रॉब्लम्स की वजह से होगा, जैसे लो फाइबर डाइट आप ले रहे हैं,
या लो इनटेक ऑफ वाटर ले रहे हैं उस वजह से। सेकेंडरी कॉन्स्टिपेशन होगा वो आएगा डिजीज़ कंडीशन की वजह से, कोई भी डिजीज़ कंडीशन है आपको उस वजह से। थर्ड जो है वो है स्पास्टिक कॉन्स्टिपेशन, स्पास्टिक कॉन्स्टिपेशन आएगा ड्यू टू स्पाज्म इन इंटेस्टाइनल वॉल, इस इंटेस्टाइनल वॉल के अंदर स्पाज्म यानी कि ऐठन या जकड़न टाइप की हो जाती है मसल्स की, उस वजह से आपको नॉर्मली स्टूल पास आउट करने में दिक्कत होती है। आइट्रोजेनिक कॉन्स्टिपेशन जो है वो होता है अननोन कॉज होता है, ड्यू टू ड्रग प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर या फिर केयर प्रोवाइडर, हेल्थ केयर प्रोवाइडर। जैसे कि आप कोई दवाई ले रहे हो या किसी भी ड्रग्स की वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है या डिफिकेशन में प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसको अपन आइट्रोजेनिक कॉन्स्टिपेशन कहेंगे। नेक्स्ट जो आता है टर्मिनोलॉजी वो आएगा एनीमा एंड क्राइसिस। एनीमा एंड क्राइसिस, एनीमा क्या बोलते हैं कि स्मॉल क्वांटिटी के अंदर जो फ्लूड होता है उसको रेक्टम के अंदर एडमिनिस्टर करना या लोअर बाउल के अंदर एडमिनिस्टर करना, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि स्मॉल क्वांटिटी का जो फ्लूड है उसको रेक्टम के थ्रू बाउल के अंदर आप एडमिनिस्टर कर रहे हो जिससे कि डिफिकेशन में आसानी हो, उसे अपन कहेंगे एनीमा। इसका जो पर्पज होता है मेनली वो क्या होता है, रिलीफ कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ करने के लिए और बाउल को क्लीन करने के लिए, या फिर किसी भी पेशेंट है उसको कोई भी डिजीज़ है तो उसको डायग्नोस करने के लिए भी हम एनीमा का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टर्मिनोलॉजी आती है वो आती है मेलेना। मेलेना जो होता है वो डार्क कलर का स्टूल होता है जो कि किस कारण से होता है, ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ ब्लड, ब्लड की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट जो है वो है डिस यूरिया के अंदर आएगा डिफिकल्टी इन वॉइडिंग, जो क्या होता है पेनफुल होता है, इरिटेटिंग होता है और बहुत बर्निंग सेंसेशन फील होता है इसके अंदर, बहुत सारी जलन सी होती है, इरिटेशन होती है यूरिन पास आउट के टाइम पे और बहुत ज़्यादा पेन होता है, उसे हम कहेंगे डिस्यूरिया। नेक्स्ट जो हमारे पास टर्मिनोलॉजी आती है वो आती है रिफ्लेक्स इनकॉन्टिनेंस। रिफ्लेक्स इनकॉन्टिनेंस जो है टर्मिनोलॉजी उसको हम कहेंगे कि इनवॉलेंट्री लॉस ऑफ यूरिन, यूरिन का इनवॉलेंट्री लॉस जो कि किस कारण से होता है, प्रिडिक्टेबल इंटरवल्स की वजह से हो सकता है, स्पेसिफिक ब्लडर वॉल्यूम की वजह से हो सकता है, या क्लाइंट्स के अंदर कोई न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट हो सकता है जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड लीजन की वजह से या ब्रेन ट्यूमर की वजह से, तो वो क्या होता है रिफ्लेक्स इनकॉन्टिनेंस। डिस्यूरिया जो है उसको वापस से रिवाइज करें तो अपन डिस्यूरिया को नॉर्मल लैंग्वेज में हम ऐसे बोल सकते हैं, डिस यानी कि डिस्टर्बेंस और यूरिया यानी कि यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट के अंदर या यूरिन पास आउट के अंदर डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस की वजह से हम उसको डिस्यूरिया बोल सकते हैं और उसके कारण हो सकते हैं बर्निंग सेंसेशन, इरिटेशन एंड पेन। नेक्स्ट जो हमारी टर्मिनोलॉजी आती है वो आती है पाइयूरिया। पाइयूरिया यानी कि क्या होता है कि यूरिन के अंदर पस का प्रेजेंट होना, जो हम यूरिन पास आउट कर रहे हैं उसके अंदर अगर पस प्रेजेंट है तो इसका मतलब है उसको अपन पाइयूरिया कहेंगे। और ये पस किस कारण से हो सकती है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की वजह से हो सकती है या कोई भी प्रोडक्ट्स है, एंड प्रोडक्ट है किसी भी चीज़ का या एक्यूमुलेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट, जो भी एंड प्रोडक्ट है उसका एक्यूमुलेशन हो रखा है यूरिन के अंदर पस की फॉर्म में, ठीक है, तो वो आता है इनवॉलंटरी इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स। कोई भी डिजीज़ कंडीशन है तो इसके अंदर इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स हुआ है तो उस वजह से भी क्या होता है पस प्रेजेंट हो सकती है वहाँ पे। तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज थी और कुछ एक है वो हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।